खिलौने, तुम पतंग उड़ाओ, मैं तुम्हारी फिरकी पकड़ू। कल मुझे तुम्हारे नाक के नीचे से कोई उड़ा ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ताकि रहना खाली आसमान। अरे कैसे कुछ नहीं करूंगा मैं, उसका भांगी नाकू तोड़ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हम दिल दे चुके सनम की मूवी रिव्यू, जो 1999 में रिलीज हुई थी। आज हम बात करेंगे इस मूवी के कुछ जरूरी तथ्य के बारे में जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। इस मूवी में मुख्य भूमिकाओं में ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने नंदनी की भूमिका निभाई है, वहीं सलमान खान ने समीर की भूमिका निभाई है और अजय देवगन ने वनराज की भूमिका निभाई है, जो ऐश्वर्या राय के पति के किरदार को भी दर्शाएंगे। नंदनी एक स्वतंत्र, उत्साही लेकिन बिगडैल अमीर लड़की है, जो आधे इलातवी आधे भारतीय समीर के लिए गिरती है। एक युवक जो अपने पिता विक्रम गोखले के तहत संगीत का अध्ययन करने के लिए अपने परिवार के हवेली में जाता है। समीर नंदनी के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उसकी शादी वकील से पहले ही तय हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। हम दिल दे चुके सनम संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के रूप में जारी किया गया था। फिल्म में अजय देवगन और ऐश्वर्या राय के साथ सलमान खान मुख्य भूमिका में है। राष्ट्रीय शायर झावेर चंद मेघानी के नाटक सेतल ने काठे पर आधारित यह फिल्म एक नवविवाहित व्यक्ति की कहानी बताती है, जिसे पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से प्यार करती है और उन्हें एकजुट करने का फैसला करती है। फिल्म को मैत्रेयी देवी के बंगाली उपन्यास नाहन्याते के ढीलो रूपांतरण के रूप में वर्णित किया गया है, हालांकि फिल्म इसका श्रेय नहीं देती है। इसे बुडापेस्ट हंगरी के अलावा पूरे गुजरात राजस्थान सीमा क्षेत्र में फिल्माया गया था, जिसका उपयोग इटली का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता था। फिल्म का प्रीमियर 1999 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा खंड में किया गया था। बंगाली फिल्म नील आकाश चांदनी इस फिल्म से प्रेरित थी। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में उभरी, जिसने 160 मिलियन कमाए। इसे आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली। हम दिल दे चुके सनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 45वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रमुख 17 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्वीय गायक सहित 7 पुरस्कार जीते। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य सीन्स के बारे में। नंदिनी भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध प्रस्ताव पंडित दरबार की बेटी है। यह घोषणा की जाती है कि समीर नाम का एक युवक दरबार परिवार के साथ रहने के लिए आएगा, क्योंकि वह पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत की पेचीदगियों को समझना चाहता है। उसे नंदिनी के कमरे में ठहराया जाता है, जिससे वह समीर को नापसंद करने लगती है। पहले तो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और शरारत करते हैं, लेकिन जल्द ही वो प्यार में पड़ जाते हैं। दोनों शादियों और त्योहारों सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान रोमांटिक पल बिताते हैं। एक दिन जोड़ी पंडित द्वारा अपनी शादी की प्रतिज्ञा का पूर्वाभ्यास करते हुए पंडित जाती है और वह गुस्से में है, क्योंकि उसे पहले से ही नवराज अजय देवगन के साथ नंदिनी की शादी की योजना बनाई है, जिसे उसके चचेरे भाई अनु की शादी के दौरान उससे प्यार हो गया था। समीर को घर से
निकाल दिया जाता है और पंडित गाना छोड़ देता है, क्योंकि उसका मानना है कि नंदिनी ने परिवार को शर्मसार कर दिया है। समीर को फिर कभी नंदिनी से ना मिलने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह अंत में इटली के लिए रवाना हो जाता है, फिर भी वह नंदिनी को पत्र लिखता है और उससे जुड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसके पत्र उस तक नहीं पहुंचते। एक निर्थक आत्महत्या के प्रयास के बाद नंदिनी अनिच्छा से नवराज से शादी कर लेती है। वह उसकी शादी की रात को उनकी शादी को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसके दृष्टिकोण से घृणा करती है और उसके प्रति ठंडे व्यवहार करती है। वह उससे स्पष्टीकरण मांगता है और लेकिन वह चुप रहना पसंद करती है। नंदिनी को अंत में समीर के पत्र मिलते हैं और नवराज उसे पढ़ने के लिए अंदर चला जाता है। वह गुस्से में है और शुरू में उसे उसके माता पिता को वापस करने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि चूंकि वह किसी अन्य पुरुष से प्यार करती है, इसलिए जोड़ी को एकजुट करना सही होगा। नवराज अपने माता पिता की सहमति मांगता है, जो वह पहले असहमत होने के बाद देते हैं। नंदिनी और नवराज इटली पहुंचते हैं, लेकिन समीर की तलाश में मृत सीरो के खिलाफ आते हैं। उनकी तलाशी के दौरान उन्हें घेर लिया जाता है और नंदिनी के हाथ में गोली मार दी जाती है। नवराज की नम्रता और उसके प्रति स्नेह से प्रेरित होकर नंदिनी उसके प्रति गर्म होने लगती है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होते हैं और नवराज समीर के पहले संगीत कार्यक्रम की रात को कर्तव्य पूर्वक उनकी बैठक की व्यवस्था करता है। फिर वह नंदिनी को अलविदा कहता है और दिल टूटकर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि उसे नवराज से प्यार हो गया है। वह उस अटूट प्रेम और भक्ति को दर्शाती है जो नवराज ने अपने पूरे रिश्ते में उन पर बरसाई है, और महसूस करती है कि नवराज उसकी सच्ची आत्मा है। समीर को पता चलता है कि उसे उसके लिए वह प्यार नहीं है जो उसने बहुत पहले देखा था। दिल टूट गया समीर उसे नवराज के पास वापस जाने देता है, जिसे वह आसानी से स्वीकार कर लेती है, और समीर उसके जाने के बाद टूट जाता है और उसकी माँ उसे सांत्वना देती है। वह वापस नवराज के पास जाती है और वह उससे कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। नवराज अपने गले में एक मंगलसूत्र सुशोभित करते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, और इस तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। समीर रोसेलाइन के रूप में सलमान खान थे, नंदिनी दरबार के रूप में ऐश्वर्या राय थी, वनराजी के रूप में अजय देवगन थे, जोहरा सहगल दादी के रूप में थी, पंडित दरबारी के रूप में विक्रम गोखले थे, अमृता के रूप में स्मिता जयकर थी, कामना के रूप में रेखा राव थी, केनी देसाई भैरव के रूप में थे, अनुपमा के रूप में शीबा चड्डा थी, वनराज की माँ के रूप में कानू गिल थे, राजीव वर्मा विक्रमजीत के रूप में थे, विनय पाठक तरुण के रूप में थे, श्रीमती रासेलिन के रूप में हेलेन थी, शिल्पा के रूप में डिंपल इनामदार थी, आकाश कर्नाटी के रूप में भारती थी। 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका में वीडियो साउंड कंपनी ने मेकिंग ऑफ सेगमेंट के साथ फिल्म का आधिकारिक डीवीडी संस्करण जारी किया। मुख्य विशेषता एक के पहलू अनुपात और मूल डबली डिजिटल 5 मिश्रण में प्रस्तुत की गई थी। दूसरी रिलीज डिजिटल एंटरटेनमेंट इंक द्वारा की गई थी। यह एक कलेक्टर का संस्करण 2 डिस्को सेट था, जो पूरक सुविधाओं से भरा था। इसमें शामिल है फिल्म का निर्माण आईफा 2000 और जी गोल्ड अवार्ड्स।
2000 टेलीविजन प्रोमो नाट्य टेलर अंग्रेजी स्पेनिश फ्रेंच जापानीज और अरबी में उपशीर्षक थे। डब्ल्यू डिजिटल 5 सराउंड ऑडियो थे। एनामार्फिक वाइड स्क्रीन प्रस्तुत थी। आकर्षक सूचना पुस्तिका थी। शेमारू और इरोर इंटरनेशनल ने भारत के बाजार में एकल डिस्क संस्करण जारी किए बिना पूरक सुविधाओं के। फिल्म को इसके अंग्रेजी शीर्षक ट्रैक फ्रॉम द हार्ट के तहत रिलीज किया गया था। यह डीवीडी पाथफाइंडर होम एंटरटेनमेंट द्वारा जारी किया गया था, जो कि डिजिटल एंटरटेनमेंट इंक संस्करण का एक बंदरगाह था बिना पूर्वक सुविधाओं के। फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर हुआ था। हम दिल दे चुके सनम को अधिकांश समीक्षकों ने खूब सराहा, विशेष रूप से इसकी भावनात्मक सामग्री, छायांकन और संगीत के साथ साथ मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन और अतिथि कलाकार हेलेन द्वारा आश्चर्यजनक प्रदर्शन के लिए। केन आइजनर ने कहा, 3 घंटे का ये शानदार गीत रोमांस, कॉमेडी, भक्ति सामग्री और रंग से सराबोर डांस संख्याओं से भरा है, जो हिंदी मानवों से भी बहुत बड़ा है। द मूवी रिपोर्ट .com के लिए माइकल डेविकॉन ने तीनों के बारे में कहा। लीड रॉय एक चमकदार पुरस्कार विजेता प्रदर्शन है। बड़े पैमाने पर उनकी बड़ी नाटकीय सफलता मानी जाती है और उचित रूप से ऐसा परस्पर विरोधी भावनात्मक रंगों को भारत है, जो खान अपनी एक आयामी उपस्थिति के साथ लाने में विफल रहते हैं और देवगन की आत्मीय सूक्ष्मता अपना काम करती है। समीर को दर्शकों की तुलना में एक अधिक दुर्जेय रोमांटिक विरोधी होने का सुझाव देते हैं। फिल्मफेयर के समीक्षक ने महसूस किया कि यह एक दशक में एक बार का फालतू का प्रकार था और लिखा, सिनेमाटोग्राफिक रूप से फिल्म निर्दोष है और अकेले इस तथ्य के आधार पर एक अवश्य देखें। इसका उद्देश्य बिना दिखावा किए कविता को पर्दे पर कैद करना है। इस माइकल दरबार का संगीत बस मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। फिल्म विदेशी लोकेशंस के साथ भारतीय विषयगत सामग्री को जोड़ती है। हम दिल दे चुके सनम भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1999 की बॉलीवुड फिल्मों में 200 मिलियन के साथ तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 85 मिलियन के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। साउंडट्रैक में महबूब के बोल थे और संगीत इस माइकल दरबार का था। साउंडट्रैक में आवाज़ें शामिल है कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण, हरिहरन, विनोद राठौड़, सुल्तान खान, शंकर महादेवन, केके और अन्य। इसे संगीत और गायन श्रेणियों में 9 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए और कुछ विजेता भी बने। प्लैनेट बॉलीवुड के विकास भटनागर ने साउंडट्रैक को 10 में से 10 स्टार दिए और कहा कि इसने अब तक के सबसे महान हिंदी साउंडट्रैक की इतिहास की किताबों में इसकी जगह बनाई है। भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया विथ के अनुसार लगभग 45 लाख यूनिट्स ने इस फिल्म की बिक्री की। साउंडट्रैक साल का नंबर 1 सबसे ज़्यादा बिकने वाला भारतीय संगीत बना दिया। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम आपको इस फिल्म के फैक्ट्स के बारे में बताते हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन के पहले सीन में वह कच्छ के रेगिस्तान में घूमती नज़र आ रही है। यह काम उन्होंने नंगे पांव और 35 डिग्री मौसम में किया। निर्देशक संजय लीला भंसाली ने बाद में ऐसा करने के लिए उनका बहुत आभार और सम्मान व्यक्त किया।
राजा हिंदुस्तानी की एक स्क्रीनिंग पर ऐश्वर्या राय बच्चन संजय लीला भंसाली के पास आई। उसने हाथ मिलाया और उन्हें बताया कि उन्हें खामोशी द म्यूजिकल में उनका काम पसंद है। संजय लीला भंसाली ने कहा है कि उनकी आंखें आग की तरह थी और वह नंदिनी का भूमिका निभाने के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे थे। उस समय उसने अपने आप से कहा, ये तो है मेरी नंदिनी, वह मेरी नंदिनी है। भंसाली और कला निर्देशक नितिन देसाई ने गुजरात, भुज और कच्छ का दौरा किया ताकि सही स्थान प्राप्त किया जा सके और जीवन शैली और संस्कृति पर बड़े पैमाने पर शोध किया जा सके। इस शोध के कारण डिजाइन किए गए सेट इतने अच्छे थे कि देसाई का दावा है कि उन्हें कनाडा में एक फिल्म निर्माण टीम से एक पत्र मिला है जिसमें पूछा गया है कि यह स्थान देश के किस हिस्से में थे। इस फिल्म के परिणाम स्वरूप सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच एक वास्तविक जीवन रोमांस भी हुआ, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक प्रचारित प्रेम प्रसंग था। फिल्म में दिखाए गए पुल और कई दर्शनीय स्थानों को बूटापेस्ट हंगरी में फिल्माया गया था, लेकिन भंसाली को लगा कि बूटापेस्ट या हंगरी जैसे नाम भारत की जनता से नहीं जुड़ेंगे, इसलिए फिल्म में हंगरी के दृश्यों को इतालवी के रूप में दिखाया गया था। फिल्म की कहानी 1983 की फिल्म वो सात दिन के साथ समान थी, जिसमें अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह और पद्मिनी कोहलापुरे ने अभिनय किया था, जहां एक पति अपनी पत्नी को अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार ने फिल्म के संगीत पर 2 साल बिताए। समीर की आसमान की ओर देखने और अपने मृत पिता से बात करने की अजीब आदत निर्देशक भंसाली के बचपन से आती है, जब उन्होंने ऐसा ही किया था। फिल्म के निर्माताओं को संदेह था कि ऐश्वर्या राय बच्चन नंदिनी की भूमिका निभाने में सक्षम होगी, क्योंकि उसकी एक मिस वर्ल्ड छवि और एक पश्चिमी चेहरा था, लेकिन संजय लीला भंसाली ने सिर्फ इतना ही कहा, क्योंकि ना उनके बालों को एक पट में बांधकर उन्हें ट्रेडिशनल लुक दिया गया। शादी के सीन में समीर कहते हैं कि ऐश्वर्या राय का किरदार नंदिनी ऐसा करती है मानो वह मिस वर्ल्ड हो। ऐश्वर्या राय बच्चन वास्तव में 1994 में मिस वर्ल्ड थी। फिल्म ने 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिसमें से थे सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन नितिन चंद्रकांत देसाई के लिए, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन इस्माइल दरबार के लिए, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट और सर्वश्रेष्ठ छायांकन अनिल मेहता के लिए। 2000 के फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में इसने 9 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक, अभिनेत्री, पार्श्वरय गायक पुरुष, कला निर्देशक, छायाकर, कोरियोग्राफी, पृष्ठभूमि स्कोर और आरडी बर्मन पुरस्कार। चूंकि यह संभव नहीं था कि करीना कपूर खामोशी द म्यूजिकल में मुख्य भूमिका निभा सके, संजय लीला भंसाली ने उन्हें इस फिल्म में नंदिनी की भूमिका की पेशकश की। इस फिल्म के लिए इस्माइल दरबार को आरडी बर्मन फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। वनराज की भूमिका के लिए आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, अनिल कपूर और अक्षय कुमार पर विचार किया गया, जिसे बाद में अजय देवगन ने निभाया। सलमान खान और उनकी सौतेली माँ हेलेन ने फिल्म में माँ और बेटे की भूमिका निभाई, वो पहली बार एक साथ दिखाई दिए। फिल्म का संगीत काफ़ी लोकप्रिय था, तड़प तड़प चांद छुपा बादल में, धोली तारो, निबोड़ा और झोंका हवा का जैसे गाने बड़े हिट रहे।
सेट पर एक झूमर दुर्घटना के कारण ऐश्वर्या राय बच्चन ने निबुढ़ा पर डांस किया, जबकि उनके पैर सूज गए थे। इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका में वीडियो साउंड कंपनी ने मेकिंग ऑफ सेगमेंट के साथ फिल्म का आधिकारिक डीवीडी संस्करण जारी किया। मुख्य विशेषता एक के पहलू अनुपात और मूल डब्ल्यू डिजिटल 5 मिश्रण में प्रस्तुत की गई थी। संगीत इस्माइल दरबार ने तैयार किया था। गाने के बोल महबूब ने लिखे थे। इसे संगीत और गायन श्रेणियों में 9 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए और कुछ विजेता भी बने। राजस्थान में एक शादी में निम्बुढ़ा गीत को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लव स्टोरी से एंडी विलियम्स द्वारा चांद चुभ बादल में का नमूना वेहर ड्यू आई बिगिंस से लिया गया था। निम्बुढ़ा को नोमी गाने के लिए तेडई और रॉब वैलेंटाइन के नमूना लिया था। फिल्म कनाडा में एक नाटकीय रिलीज हुई थी। 2009 में इसे बंगाली में नील आकाश चांदनी के रूप में दोबारा बनाया गया था, जिसमें जीत ने सलमान खान की भूमिका को दोहराया। जिशु सेनगुप्ता ने अजय देवगन की भूमिका को दोहराया और कोयल मलिक ने ऐश्वर्या राय की भूमिका को दोहराया। संजय लीला भंसाली ने पहले अमीषा कोयराला मनीषा कोयराला को यह फिल्म ऑफर की थी, लेकिन कुछ गलत फैमिलियों के कारण वह फिल्म नहीं कर पाई। करीना कपूर से भी संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इसके लिए अयोग्य है क्योंकि उन्होंने अभी तक मिस इंडिया नहीं जीता है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 9 फिल्मफेयर और 11 आईफा पुरस्कार सहित कई आलोचकों की प्रशंसा और पुरस्कार जीते। कम ही लोग जानते हैं कि संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित इस्माइल दरबार ने फिल्म के संगीत पर 2 साल बिताए। नतीजतन एल्बम में सभी अवसरों के लिए गाने थे और फिल्म के सभी गाने हिट थे। संजय लीला भंसाली ने नंदिनी की भूमिका निभाने के लिए मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय को चुना था, लेकिन फिल्म में निर्माताओं को संदेह था कि वह इस किरदार को निभा पाएंगी या नहीं, क्योंकि उनका पश्चिमी चेहरा था। विकिपीडिया के अनुसार घाघरा चोली में एक देसी लड़की के रूप में ऐश्वर्या का लुक और एक पट भंसाली द्वारा सुझाया गया था, जो इस विचार के साथ आया था क्यों ना उसके बालों को एक चोटी में बांधे और उसे एक पारंपरिक रूप दे। मिस वर्ल्ड के नए नए लुक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और यह किरदार फिल्म की तरह ही काफ़ी हिट रहा। गरबा गीत ढोली तारों में एक्रेलिक फॉर्स को रोशन करने के लिए कला निर्देशक नितिन देसाई ने इस उद्देश्य के लिए गेंदे के फूलों का इस्तेमाल किया। पारंपरिक रूप से मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों को एक्रेलिक सीट के नीचे रखा जाता था, जो फर्श के साथ साथ पूरे सेट को हल्का कर देता है। जब गाना शूट किया गया था, फर्श नागरिक रंग की पृष्ठभूमि के साथ अभूतपूर्ण लग रहा था और कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि यह गेंदे के फूल के कारण चमकदार था, ना कि रोशनी के कारण। सरोज खान ने निम्बुढ़ा गाने के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता। ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया गाना एक डांस नंबर है, जिसमें तेज बीट्स और बहुत सारे क्विक डांस मूव्स शामिल है। अभिनेत्री ने इस ट्रैक पर प्रदर्शन करने में शानदार काम किया, तब भी जब फिल्म के सेट पर एक दुर्घटना के कारण उनके पैर सूज गए थे। सेट पर झूमर की वजह से
एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें पैरों में सूजन के साथ डांस करना पड़ा। भंसाली ने फिल्म में उनके समर्पण और अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए और विशेष रूप से इस गीत के लिए उन्हें कई बार धन्यवाद दिया है। फिल्म में समीर की भूमिका निभाने वाले सलमान खान को अपने मृत पिता से आसमान की ओर देखते हुए बात करने की अजीब आदत है। कहा जाता है कि निर्देशक भंसाली को भी बचपन से ही यह आदत थी, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। समीर के अपने पिता के साथ संबंध की फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इन बातचीत के दौरान ही समीर ने अपने दिल की बात कही थी। समीर और उनके पिता के बीच संबंध को फिल्म के दौरान बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था। जबकि समीर पूरी फिल्म में इटली के बारे में बड़बड़ाते रहते हैं, क्या आप जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग वास्तव में बुडापेस्ट में हुई थी? नंदिनी और वनराज समीर की तलाश में बुडापेस्ट गए और फिल्म का पूरा दूसरा भाग वही शूट किया गया था। फिल्म में आपने जो आइकॉनिक ब्रिज सीन देखा, उसे बुडापेस्ट के चेन ब्रिज में फिल्माया गया था। यह आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन ऐश्वर्या फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी। हाँ, तुमने ये सही सुना। संजय ने अपने मनीषा कोइराला से संपर्क किया, लेकिन बात नहीं बनी। जाहिर तौर पर उन्होंने उसके बाद करीना कपूर से भी संपर्क किया, हालांकि उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रही थी। जो लोग सोच रहे थे कि ऐश्वर्या ने भूमिका कैसे निभाई, यह एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान था जब एसएलबी अभिनेत्री से मिली, जहां उसने उसे बताया कि उसे खामोशी द म्यूजिकल में उसका काम पसंद है। घटना को याद करते हुए एसएलबी ने कहा, हमारे हाथ मिले, हमारी आंखें मिली, मैंने उसकी आंखों में आग देखी। उन दिनों मैं नंदिनी का किरदार निभाने के लिए एक लड़की की तलाश में था। मैंने खुद से कहा, ये तो मेरी नंदिनी है। लोगों को संदेह था कि क्या वो सफल होंगी, क्योंकि उनकी एक मिस वर्ल्ड छवि और एक पश्चिमी चेहरा था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना उसके बालों को एक चोटी में बांधकर उसे ट्रेडिशनल लुक दिया जाए। इसी तरह अजय देवगन भी फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। वनराजी की भूमिका के लिए आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, अनिल कपूर और अक्षय कुमार जैसे अन्य लोकप्रिय अभिनेताओं पर विचार किया गया था। फिल्म का नाम मूल रूप से दिल तो हमने दिया सनम था। सलमान खान और उनकी सौतेली माँ हेलेन ने पहली बार स्क्रीन साझा की थी। हम कम ही जानते थे कि फिल्म के सेट पर एक झूमर दुर्घटना के कारण ऐश्वर्या को सूजने वाले पैरों के साथ निम्बुड़ा पर डांस करना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस फिल्म में समीर की भूमिका निभाने वाले सलमान खान के बारे में। अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, गायक, चित्रकार और टेलीविज़न व्यक्तित्व है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। 30 साल से अधिक के फिल्म करियर में खान को कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें एक फिल्म निर्माता के रूप में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अभिनय के लिए 2 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। उन्हें मीडिया में भारतीय सिनेमा के सबसे व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया में टॉप पेड 100 सेलिब्रिटी एंटरटेनर्स की अपनी 2015 की सूची में शामिल किया। खान अमिताभ बच्चन के साथ सूची में 71वें नंबर पर है। दोनों की कमाई 33 मिलियन डॉलर है। फोर्ब्स 2018 की दुनिया में टॉप पेड 100 सेलिब्रिटी एंटरटेनर्स की सूची के अनुसार खान 37 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ 82वें रैंक के साथ सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय थे। उन्हें 2010 से रियलिटी शो बिग बॉस के होस्ट के रूप में भी जाना जाता है।
पटकथा लेखक सलीम खान के सबसे बड़े बेटे खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बीवी हो तो ऐसी में सहायक भूमिका के साथ की, जिसके बाद मैंने प्यार किया में एक प्रमुख भूमिका निभाई। खान ने बॉलीवुड में 1990 के दशक में रोमांटिक ड्रामा हम आपके हैं कौन सहित कई प्रस्तुतियों में भूमिकाएं जारी रखी। एक्शन कॉमेडी अंदाज अपना अपना, एक्शन थ्रिलर करण अर्जुन, कॉमेडी बीबी नंबर वन और पारिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है 2000 के दशक में गिरावट की एक संक्षिप्त अवधि के बाद खान ने 2010 में दबंग, रेड्डी, एक था टाइगर, किक, सुल्तान जैसी सफल एक्शन फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाकर अधिक स्टारडम हासिल किया। अपने अभिनय करियर के अलावा खान एक टेलीविज़न प्रस्तोता है और अपनी चैरिटी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से मानवीय कारणों को बढ़ावा देते हैं। खान का ऑफ स्क्रीन जीवन विवादों और कानूनी परेशानियों से भरा है। 2015 में उन्हें लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी कार से 5 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी, लेकिन अपील पर उनकी सजा को रद्द कर दिया गया था। 5 अप्रैल 2018 को खान को एक काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराया गया था और 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। वो फिलहाल जमानत पर बाहर है, जबकि एक अपील पर सुनवाई चल रही है। खान पटकथा लेखक सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक के सबसे बड़े बेटे हैं, जिन्होंने बाद में सलमा खान अपना नाम अपनाया था। 27 दिसंबर 1965 को एक हिंदू माँ और एक मुस्लिम पिता के घर पैदा हुए खान का पालन पोषण दोनों धर्मों में हुआ। उनके पूर्वज अलाकोजाई पश्तून थे अफगानिस्तान से, जो 1800 के दशक के मध्य में इंदौर मध्य प्रदेश में आकर बस गए थे। हालांकि जसीम खान ने अभिनेता की अपनी जीवनी में कहा है कि उनके पूर्वज ब्रिटिश भारत में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्वात घाटी में मलकंद से यूसुफजई पश्तूनों की अकुजई उप जनजाति के थे। उनके दादा अब्दुल रशीद खान इंदौर राज्य के उप महानिरीक्षक थे, जिन्हें होलकर काल के दिलेर जंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खान की मां एक गृहिणी हैं, जिनके पिता बलदेव सिंह चरक एक दोगरा राजपूत जम्मू और कश्मीर के जम्मू से आते हैं और जिनकी मराठी मां महाराष्ट्र से आती है। खान हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं। उनके 2 भाई हैं अरबाज खान और सोहेल खान और 2 बहनें अलवीरा खान अग्निहोत्री, जिनकी शादी अभिनेता अतुल अग्निहोत्री और एक दत्तक बहन अर्पिता से हुई है। सलमान ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के बांद्रा के सेठ स्टैनिलॉन्स हाई स्कूल में पूरी की, जैसा कि उनके छोटे भाइयों अरबाज खान और सोहेल खान ने किया था। इससे पहले उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज के साथ कुछ वर्षों के लिए द सिद्धिया स्कूल ग्वालियर में अध्ययन किया। उन्होंने मुंबई के सेट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई को एक्टिंग करियर के लिए बीच में ही छोड़ दिया। खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की, जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने सूरज आर बट जात्या की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा मैंने प्यार किया में प्रमुख भूमिका निभाई, जो उस समय सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। बाद में बट जात्या को सम्मानित किया गया। मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लव कॉल्स, स्पेनिश में तो अमो और तेलुगु में प्रेमो वापुरालू के रूप में डब किया गया था। 1990 में खान अभिनीत एक फिल्म रिलीज हुई बागी अरिवेल फॉर लव, बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद 1991 में 3 मामूली सफल फिल्में रही
पत्थर के फूल, सनम बेवफा और कुर्बान। उसी वर्ष खान ने संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में सह कलाकार के रूप में काम किया। 1994 में खान राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सह कलाकार दिखाई दिए। अपनी रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसने एक पथ का दर्जा हासिल कर लिया है। बाद में वर्ष में उन्होंने निर्देशक सूरज बड़जात्या के साथ रोमांस हम आपके हैं कौन में सहयोग किया। सह कलाकार माधुरी दीक्षित के साथ उन्होंने हम आप में है कौन की बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। 1995 के पुरस्कार सत्र के दौरान फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। इसके वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म होने का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म वर्ष की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट बन गई। यह बॉक्स ऑफिस इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की सूची में से एक है। 2006 में बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार यह अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 1995 में उन्होंने राकेश रोशन की करण अर्जुन में शाहरुख खान के साथ अभिनय किया। दोनों ने भाइयों की भूमिका निभाई जो पारिवारिक शत्रुओं द्वारा मारे जाने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं। करण के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें 1995 के फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 1996 में खान ने संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी पहली फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में अभिनय किया। वह इसमें भी दिखाई दिए और राज कंवर के एक्शन ने जीत को हिट कर दिया। 1997 में उनकी 2 रिलीज हुई जुड़वा और औजार। पहली डेविड धवन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने जन्म के समय अलग हुए जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई थी। खान ने 1998 में 5 अलग अलग फिल्मों में काम किया। उनकी पहली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या थी, जो काजोल के साथ थी, जो उस साल की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में से एक थी। इसके बाद मध्यम स्वरूप से सफल नाटक जब प्यार किससे होता है आया, जिसमें खान ने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जिसे अपने बेटे होने का दावा करने वाले एक बच्चे को अपनी हिरासत में लेना होता है। फिल्म में खान के प्रदर्शन के अनुकूल आलोचनात्मक समीक्षा अर्जित की। उन्होंने करण जौहर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में विस्तारित कैमियो भी किया था, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी के तहत 2 फिल्मफेयर पुरस्कार अर्जित किया। 1999 में खान ने 3 फिल्मों में अभिनय किया। हम साथ साथ है, वी स्टेड यूनाइटेड, बीबी नंबर 1 और हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय और अजय देवगन के साथ, जिसने उन्हें फिल्मफेयर के में एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया। फिल्म में उनके प्रदर्शन की अनुकूल समीक्षा की गई, जिसमें रेडिफ की शर्मिला टेलीकॉम ने कहा, सलमान प्यारे हैं, वह नाटकीय दृश्यों में हम हैम करते हैं, लेकिन कॉमेडी और उन रोमांटिक दृश्यों में बहुत सहज दिखते हैं। 2000 में खान चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाई दिए, जिसने सरोगेंट बच्चे के जन्म के मुद्दों को संबोधित किया। इसमें खान ने एक अमीर उद्योगपति की भूमिका निभाई जो अपनी पत्नी के बांझ होने के बाद एक सरोगेंट माँ को काम पर रखता है। रेडी की सुकन्या वर्मा ने लिखा है कि फिल्म में एक बेतुकी कहानी थी, लेकिन साथ ही कलाकारों का सहज प्रदर्शन भी था, जिससे इसके अन्य दोषों को कम करने में मदद मिली। 2002 में उन्होंने हम तुम्हारे हैं सनम में अभिनय किया। तेरे नाम के लिए तरण आदर्श ने उनके बारे में कहा, सलमान खान एक ऐसे भूमिका में असाधारण है जो उन्हें टी के लिए फिट बैठता है। वह उन दृश्यों में आग लगाते हैं जो बेचैनी की मांग करते हैं।
लेकिन कठिन बाहरी के नीचे एक कमजोर व्यक्ति होता है और यह पहलू अंदर होता है, विशेष रूप से बाद के रीलों में सामने आता है। उनके भावनात्मक विस्फोट शानदार है। निर्देशक सतीश कौशिक ने फिल्म में खान के काम को मजबूत मानते हुए कहा, सलमान ने फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने एक गहन अपरंगात प्रदर्शन दिया है। मेरा मानना है कि यह सलमान के करियर का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। उन्होंने मुझसे शादी करोगी और नो एंट्री जैसे कॉमेडी के साथ अपना करियर जारी रखा। खान ने 2007 की शुरुआत कलाकारों की तुड़की वाली फिल्म सलामे इश्क के साथ की। वो हॉलीवुड फिल्म मैरी गोल्ड एंड एडवेंचर इन इंडिया में अमेरिकी अभिनेत्री अली लार्टर के साथ दिखाई दिए। फिल्म ने एक भारतीय पुरुष और एक अमेरिकी महिला की प्रेम कहानी को बताया। खान ने 2009 के दौरान गेम शो 10 का दम के दूसरे सीजन की मेज़बानी की। बीजेसी यूके की 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार शो ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के लिए भारतीय टेलीविज़न रेटिंग में अपना तीसरा स्थान हासिल करने के लिए पर्याप्त लक्ष्य रेटिंग अंक अर्जित किए थे। वह कोरियोग्राफर से निर्देशक बने प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित वांटेड में दिखाई दिए। फिल्म को मिले जुले रिव्यू मिले। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार रेटिंग दिए है। सलमान खान की स्टार पावर पर सवारी चाहता है। वह शहर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नहीं हो सकता है, लेकिन वांटेड जैसी फिल्में में एक भूमिका में जो उनके व्यक्तित्व के विस्तार की तरण लगता है, आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि वह इस भूमिका को फलता फूलता है। रेडिफ के राजा सेन ने 5 में से 2 की रेटिंग दी और कहा, लेखन शौकिया और बकवास दोनों है, जबकि गाने सादे घृणित है। खान भले ही मजे कर रहे हो, लेकिन वांटेड जैसी फिल्म इस बात को रेखांकित करते हैं कि बॉलीवुड को युवा प्रमुख पुरुषों की एक नस्ल की कितनी बुरी तरह से ज़रूरत है और मौजूदा लोगों को किस तरह फिट होने वाली भूमिकाओं की ज़रूरत है। वह उस वर्ष 2 अन्य फिल्मों में और मिसेज खन्ना और लंदन ड्रीम्स में दिखाई दिए। 2010 में खान की पहली रिलीज अनिल शर्मा की फिल्म वीर थी। अपनी अगली फिल्म दबंग में खान ने फिल्म में हास्य प्रभाव वाले एक निडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई। इकोनॉमिक टाइम्स ने फिल्म को बेवकूफ और साजिश और विश्वसनीयता के मामले में पूर्ण असंगीत होने के बावजूद अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए उल्लेखनीय बताया। टाइम्स ने उद्योग को भी नोट किया। विशेषज्ञों ने फिल्म की लोकप्रियता को खान की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें कहा गया है कि वो सलमान खान के स्टार करिश्मे को इसके आकर्षण का श्रेय देते हैं, जो चुलबुल पांडे की अति शीर्षक अभिव्यक्तियों को बेलगाम उत्साह और जोश के साथ करने में कामयाब रहे हैं। दबंग ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बाद में इसे तमिल और तेलुगु में दोबारा बनाया गया। फिल्म का निर्माण उनके भाई अरबाज खान ने किया था। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा यह बताया गया कि फिल्म पूरे देश में पूरे घर में खुल गई है। खान को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला और स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टारडस्ट अवार्ड मिला। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनके 6ठे फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। NDTV की अनुपमा चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा, यह एक जीवन भर की भूमिका है और सलमान खान इसे ऐसे काटते हैं जैसे कोई भूखा आदमी
दावत खा जाता है। वह इसे पूरी तरह से वास करता है, अकड़ता और लड़खड़ाता है और यहाँ तक कि खुद को धोखा भी देता है। खान की 2011 की पहली रिलीज रेडी थी। रेडी ने 2011 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया। वह अगली बार बॉलीवुड में दिखाई दिए, जो 2010 में इसी नाम की मलयालम फिल्म की रीमेक थी। फिल्म समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि यह वर्ष की भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। खान की 2012 की पहली रिलीज एक था टाइगर थी, जहां उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ अभिनय किया और एक भारतीय जासूस के रूप में काम किया। फिल्म को समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया के लिए सकारात्मक मिला, जबकि बॉक्स ऑफिस पर बेहद मजबूत संग्रह की शुरुआत हुई। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के साथ उनके पहले जुड़ाव को चिह्नित करती है। खान ने 2012 में अरबाज खान के निर्माण के तहत दबंग की अगली कड़ी दबंग 2 को रिलीज किया। दबंग 2 अंत में सविस्तार पर 2 बिलियन के राजस्व के साथ एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में उभरा। एक साल के अंतराल के बाद खान की 2014 की पहली रिलीज जय हो थी, जिसमें उन्होंने डेजी शाह के साथ अभिनय किया। उनकी दूसरी रिलीज किक एक तेलुगु फिल्म की रीमेक है, जिसे ईद पर भारत में 2 अरब क्लब उन्होंने फिल्म का हैंगओवर गीत भी गाया था। खान की 2015 की पहली फिल्म बजरंगी भाईजान, इसे ईद पर रिलीज किया गया था, को आलोचकों और जनता से सकारात्मक समीक्षा मिली और रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 1 बिलियन की कमाई की, जिसने पीके के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पीके के बाद 300 क्लब में प्रवेश करने वाली ये खान की पहली और दूसरी बॉलीवुड फिल्म थी। ये फिल्म वर्तमान में भारत और दुनिया भर में 6 अरब से अधिक के संग्रह के साथ दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। बजरंगी भाईजान ने अपनी रिलीज के 20 दिनों के भीतर 300 करोड़ को पार कर लिया और भारत में अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। जबकि उनकी दूसरी फिल्म प्रेम रतन धन पायो एक दिवाली रिलीज को आलोचकों और जनता से मिश्रित समीक्षा मिली और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह फिल्म 1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली सलमान खान की लगातार 9वीं फिल्म बन गई। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 1 बिलियन की कमाई की। 25 नवंबर तक फिल्म ने 2 बिलियन का संग्रह किया। इसके साथ खान की बैक टू बैक फिल्में देने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए, जिन्होंने घरेलू स्तर पर 2 बिलियन से अधिक की कमाई की। वह भारत में एक ही वर्ष में 5 बिलियन से अधिक का घरेलू शुद्ध संग्रह करने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए। 2016 की खान की पहली फिल्म यशराज फिल्म्स के लिए अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित एक और ईद रिलीज सुल्तान को आलोचकों और जनता दोनों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने औसत 70% दर्शकों की संख्या में शुरुआत की और अपने शुरुआती दिन में लगभग 375 मिलियन की कमाई की। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में और 74 का संग्रह किया, जिससे इसके पहले सप्ताह के कुल संग्रह लगभग 2 बिलियन हो गया। अपने दूसरे सप्ताह के अंत तक फिल्म ने अनुमानित 2 बिलियन की कमाई की थी और बाद में 300 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली खान की दूसरी फिल्म बन गई। 9 अगस्त तक फिल्म ने दुनिया भर में 5 बिलियन की कमाई की। जून 2017 में खान ट्यूबलाइट में दिखाई दिए। एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान के बाद कबीर खान के साथ उनका तीसरा सहयोग था। इस फिल्म में खान के वास्तविक जीवन के भाई सोहेल खान भी थे। उनकी उच्च उम्मीदों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन करने में विफल रही। खान की 2017 की दूसरी रिलीज टाइगर जिंदा है
एक था टाइगर की अगली कड़ी ने अपने शुरुआत सप्ताह में दुनिया भर में 190 करोड़ की कमाई की। 23 जनवरी 2018 तक फिल्म ने दुनिया भर में 5 बिलियन की कमाई की, जिसमें भारत में 4 बिलियन और विदेशों में 1 बिलियन शामिल है। खान ने भारत में अभिनय किया जो 5 जून 2019 को रिलीज हुई थी और दबंग 3 जो 20 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस बीच क्रिसमस 2019 के आसपास रिलीज होने वाली किक 2 में देरी हुई हो गई थी। दिसंबर 2020 में खान ने महेश मांझेरकर द्वारा निर्देशित अंतिम द फाइनल ट्रीट के लिए फिल्मांकन शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक सिख पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई। 2011 में उन्होंने SKBH प्रोडक्शन, सलमान खान बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शन नामक अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। फिल्म निर्माण से उत्पन्न धन बीइंग ह्यूमन संगठन को दान दिया जाएगा। बैनर के तहत बनाई गई पहली फिल्म बच्चों की मनोरंजक चिल्लर पार्टी थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ बच्चों की फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और बाल कलाकार पुरस्कार के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। SKBH प्रोडक्शंस की अगली फिल्म महेश मांझेरकर द्वारा निर्देशित रीमेक शिक्षाएं आयचा घो होगी। 2014 में उन्होंने सलमान खान फिल्म्स नामक एक और प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। इस बैनर तले रिलीज हुई पहली फिल्म कनाडा की फिल्म डॉक्टर कैबी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन $3,50,452 कमाए। इस बैनर के तहत अगली फिल्म में हीरो थी, जिसमें उन्होंने निखिल आडवाणी का शीर्षक गीत हीरो भी गाया था, जिसमें आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील सेट्ठी की बेटी अथिया सेट्ठी ने अभिनय किया था और कबीर खान द्वारा बजरंगी भाईजान में करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ खान ने खुद अभिनय किया था। खान ने कई महत्वाकांक्षी बॉलीवुड अभिनेताओं का मार्गदर्शन किया है। वो कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं और जैसे ऋतिक रोशन और अर्जुन कपूर के लिए भी सही आकार में आने के लिए प्रेरणा रहे हैं। सनम बेवफा के निर्देशन सावन कुमार टाक को खान ने मदद की थी, क्योंकि उन्होंने सावन द लव सीजन मुफ्त में किया था। खान ने हमेशा हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद जैसे संगीतकारों की सिफारिश की है। उन्होंने खामोशी द म्यूजिकल और फिर हम दिल दे चुके सनम बनाने के लिए संजय लीला भंसाली का समर्थ किया। अभिनेता गोविंदा के करियर को खान ने बचाया, क्योंकि उन्हें पार्टनर में समांतरण भूमिका की पेशकश की गई थी। इसी तरह खान ने सूरज बड़जात्या को मैंने प्यार किया के लिए मोहनीश बहल का सुझाव दिया और बाद में बागी अरिवेल फॉर लव में उनके नायक के रूप में असफल होने के बाद सुझाव दिया। बहल ने सलमान की हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और हाल ही में बनी जय हो में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इसी तरह उन्होंने तेरे नाम में रवि किशन का रोल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। खान ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार विजेता है। अब हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में नंदनी की किरदार निभाई थी। ऐश्वर्या राय बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री और मिस वर्ल्ड 1994 प्रतियोगिता की विजेता है। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने सफल अभिनय करियर के माध्यम से खुद को भारत में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली हस्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। रॉय को 2 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2012 में फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर डेंस आर्ट एंड ड्रेंस लेंट्रेस से सम्मानित किया गया था। उन्हें अक्सर मीडिया में उद्धृत किया जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से। कॉलेज में रहते हुए रॉय ने मॉडलिंग के कुछ काम किए। कई टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई देने के बाद उन्होंने मिस इंडिया पेजेंट में प्रवेश किया,
जिसमें उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड 1994 का ताज पहनाया गया, जिसके बाद उन्होंने फिल्म में अभिनय करने के प्रस्ताव मिलने लगे। उन्होंने मणिरत्नम की 1997 की तमिल फिल्म इरुवर में अभिनय की शुरुआत की और उसी वर्ष और प्यार हो गया में उनकी पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई। उनकी पहली व्यावसायिक सफलता तमिल रोमांटिक ड्रामा जींस थी, जो उस समय भारतीय सिनेमा में बनने वाली सबसे महंगी फिल्म थी। उन्होंने व्यापक सफलता हासिल की और हम दिल दे चुके सनम और देवदास में अपने प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर में 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीते। रॉय को तमिल रोमांस फिल्म कंदू कोदेन में एक भावुक कलाकार की भूमिका निभाने के लिए आलोचनात्मक सराहना मिली। बंगाली फिल्म चोखेर वाली में टैगोर की नायिका विनोदिनी नाटक रेनकोट में एक उदास महिला किरणजीत अहलुवालिया का किरदार मिला। ब्रिटिश ड्रामा फिल्म प्रोवोक्ड और नाटक गुजारिश में एक नर्स की भूमिका निभाई। रॉय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताएं रोमांस मोहब्बतें, साहसिक फिल्म धूम 2, ऐतिहासिक रोमांस गुरु और जोधा अकबर, साइंस फिक्शन फिल्म एंथिरन और रोमांटिक ड्रामा ए दिल है मुश्किल। राय ने 2007 में अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी की। दंपति की एक बेटी है। उनकी ऑफ स्क्रीन भूमिकाओं में कई चैरिटी संगठनों और अभिनयों के लिए एक ब्रांड एशार के एम्बेसडर के रूप में कर्तव्य शामिल है। वो एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के लिए एक सद्भावना राजदूत है, जो 2003 में वह कौन फिल्म समारोह में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। रॉय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर कर्नाटक में एक तुलु भाषी बंट परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्णराज, जिनकी मृत्यु 18 मार्च 2017 को हुई थी, एक सेना जीव विज्ञानी थे, जबकि उनकी मां वृंदा एक गृहिणी है। उनका एक बड़ा भाई आदित्य रॉय है, जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। रॉय की फिल्म दिल का रिश्ता उनके भाई द्वारा सह निर्मित और उनकी मां द्वारा सह लिखित थी। परिवार मुंबई चला गया, जहां रॉय ने आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल में पढ़ाई की। रॉय ने अपनी इंटरमीडिएट की स्कूली शिक्षा जय हिंद कॉलेज में 1 साल के लिए की और फिर माटुंगो में डीजी रूपारेल कॉलेज में दाखिला लिया। एचएससी परीक्षा में 90% हासिल किया। उन्होंने अपनी किशोरावस्था के दौरान 5 साल तक राष्ट्रीय डांस और संगीत का प्रशिक्षण किया। उनका पसंदीदा विषय जुलांजी था, इसलिए उन्होंने शुरू में चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने पर विचार किया। फिर एक वास्तुकार बनने की योजना के साथ उन्होंने रचना संसद अकादमी ऑफ आर्किटेक्चर में दाखिला लिया, लेकिन बाद में मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए अपनी शिक्षा छोड़ दी। 1999 में रॉय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को डेट करना शुरू किया। 2002 में दंपति के अलग होने तक उनके संबंधों की अक्सर मीडिया में रिपोर्ट की गई। रॉय ने रिश्ते को समाप्त करने के कारणों के रूप में खान की ओर से दुर्व्यवहार, मौखिक, शारीरिक और भावनात्मक बेवफाई और आक्रोश का हवाला दिया। 2005 में उनके टूटने से पहले अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ उनका रोमांटिक रिश्ता था। हालांकि वो दोनों 2.5 अक्षर प्रेम के, जिसमें उनके तत्कालीन लंबे समय के प्रेमी सलमान खान का संक्षिप्त कैमियो था और कुछ ना कहो में दिखाई दिए। अभिषेक बच्चन को धूम 2 की शूटिंग के दौरान रॉय से प्यार हो गया। 14 जनवरी 2007 को उनकी सगाई की घोषणा की गई और बाद में उनके पिता अमिताभ बच्चन ने पुष्टि की। इस जोड़े ने 20 अप्रैल 2007 को बंट समुदाय के पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की, जिससे वो संबंधित है। उत्तर भारतीय और बंगाली समारोह भी किए गए। शादी मुंबई के जुहू में बच्चन निवास
प्रतीक्षा के प्रतीक्षा में एक निजी समारोह में हुई। उन्हें भारतीय मीडिया में एक सुपर कपल के रूप में वर्णित किया गया। रॉय अपने परिवार के बहुत करीब है और शादी तक उनके साथ मुंबई के बांद्रा में रहती थी। रॉय हिंदू और गहरे धार्मिक है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति तब बढ़ी जब अभिषेक बच्चन की उनकी शादी के तुरंत बाद कॉन फिल्म समारोह में उनके साथ गए और बाद में 28 सितंबर 2009 को प्रदर्शित होने वाले द ओपेरा विनफ्रे शो में गए। उन्हें ब्रेजिलीना की तुलना में एक जोड़े के रूप में अधिक प्रसिद्ध होने के रूप में वर्णित किया गया था। रॉय ने 16 नवंबर 2011 को एक लड़की आराध्या को जन्म दिया। रॉय को आमतौर पर प्रशंसकों और मीडिया द्वारा एस और एस उपनामों से संदर्भित किया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें इस तरह से बुलाया जाना पसंद नहीं है। उससे लोगों को ऐश्वर्या के अलावा अन्य नामों से उसका उल्लेख करने से हतोत्साहित किया गया है, क्योंकि वह अच्छे नाम को खराब करना नहीं चाहती। 12 जुलाई 2020 को रॉय और उनकी बेटी के कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किए जाने की सूचना मिली थी। 17 जुलाई को उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी। रॉय बच्चन बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक है। लगातार मीडिया की अटकलों के बावजूद वह अपने निजी जीवन को अच्छी तरह से सुरक्षित रखती है। उनकी शारीरिक बनावट और प्रदर्शन ने उन्हें युवा महिलाओं के लिए एक स्टाइल आइकॉन बना दिया है। 2011 में इंडिया टुडे ने नोट किया कि उनके लिए समर्पित 27,000 से अधिक वेबसाइट थी। उन्हें वर्वे पत्रिका द्वारा देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में चुना गया था। 2001 में फोर्ब्स ने रॉय को शीर्ष 5 भारतीय फिल्म सितारों में शामिल किया। यूके के हेलो द्वारा आयोजित एक पाठक सर्वेक्षण में पत्रिका उन्हें 2003 की सबसे आकर्षक महिला चुना गया था। उसी वर्ष रॉय रोलिंग स्टोन पत्रिका की वार्षिक हॉट लिस्ट में दिखाई दिए। 2004 में उन्हें टाइम ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में चुना और इसके 2003 एशिया संस्करण के कवर पर दिखाई दी। रॉय पहली भारतीय अभिनेत्री है जो कॉन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जूरी में शामिल हुई है। अक्टूबर 2004 में लंदन के मैडम तुषाद के मोम संग्रहालय में रॉय की एक मोम की मूर्ति प्रदर्शित की गई थी। वह यह सम्मान पाने वाली छठी भारतीय और अपने ससुर अमिताभ बच्चन के बाद दूसरी बॉलीवुड हस्ती थी। 2007 में न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में मैडम तुसाद के संग्रहालय में इसी आकृति को सब प्रदर्शित किया गया था। उनकी सबसे विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के रूप में रॉय की हरी नीली आंखें, शुद्वातु ओंठ, वक्र और स्ट्रैन व्यवहार को मीडिया ने उनके ट्रेडमार्क के रूप में उद्धृत किया है। 2005 में वह 2 जनवरी को 60 मिनट की प्रोफाइल का विषय थी, जिसमें कहा गया था कि कम से कम हजारों वेबसाइट, इंटरनेट पोल और यहां तक कि जूलिया रॉबर्ट्स के अनुसार वह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। उसी वर्ष नीदरलैंड में एक ट्यूलिप का नाम उनके नाम पर ऐश्वर्या रॉय रखा गया था। इसके अलावा 2005 में मेटल ने यूनाइटेड किंगडम में रॉय की बार्बी डॉल का एक सीमित संस्करण जारी किया। ब्रिटिश पत्रिका मैक्सिम ने भारत की सबसे हॉट महिलाओं की सूची में रॉय को पहला स्थान दिया। रॉय ने 5 भाषाओं मुख्यतः हिंदी में 46 से अधिक फिल्मों में काम किया है। रॉय को कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें हम दिल दे चुके सनम और देवदास में उनकी भूमिकाओं के लिए 2 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। इस फिल्म में दूसरे सहायक भूमिका के किरदार निभाने वाले अजय देवगन के बारे में चलिए जानते हैं।
विशाल वीरू देवगन, जिन्हें पेशेवर रूप से अजय देवगन के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता है। उन्होंने 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया है। देवगन ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। 2006 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देवगन ने 1991 में फूल और कांटे के साथ अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह जिगर, संग्राम, दिलवाले और दिल जले जैसे सफल फिल्मों में अभिनय करने वाले एक एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे। उन्होंने जख्म, हम दिल दे चुके सनम, कंपनी, दीवानगी और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित काम प्रदर्शन दिया। गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट फन बिगिंस, गोलमाल 3 सिंघम सहित कई एक्शन कॉमेडी में सहयोग किया। बोल बच्चन, सिंघम रिटर्न्स और गोलमाल अगेन उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में तन्हाजी और टोटल धमाल शामिल है। इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एफ फिल्म्स के मालिक है, जिसे 2000 में स्थापित किया गया था। 2008 में उन्होंने यूमी और हम के साथ एक फिल्म निर्देशक के रूप में शुरुआत की। उन्होंने 1999 से फिल्म अभिनेत्री काजोल से शादी की है। रोहित शेट्टी के साथ उनके सहयोग से सफलता मिली है। देवगन का जन्म मूल रूप से अमृतसर, पंजाब के एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है। देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे और उनकी मां वीना एक फिल्म निर्माता है। उनके भाई अनिल देवगन एक फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक है। देवगन ने जुहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मिठाई बाई कॉलेज से पढ़ाई की। देवगन ने अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ जिगर का फिल्मांकन करते समय एक रिश्ता शुरू किया। हालांकि इस जोड़े ने 1995 में अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। उसी वर्ष अभिनेत्री काजोल मुखर्जी के साथ देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब वह गुंडाराज में सहकलाकार थे। उनके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभावित जोड़ी कहा। 24 फरवरी 1999 को जोड़े ने देवगन के घर में एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन हिंदू समारोह में शादी की। दंपति के 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी न्यासा का जन्म 2003 में हुआ और उनके बेटे युग का जन्म 2010 में हुआ था। देवगन और काजोल ने गंभीर बीमारी की स्थिति में अपने नवजात बेटे के गर्भनाल, रक्त और ऊतकों को स्टेम सेल के स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए संग्रहित किया। अगस्त 2009 में देवगन ने अपने परिवार के अनुरोध पर अपने उपनाम देवगन की वर्तनी बदलकर देवगन कर ली। वह एक शैव हिंदू है जो प्रमुख रूप से रुद्राक्ष पहनते हैं, जो अन्य धार्मिक विषयों के साथ उनकी फिल्मों में दिखाई देते हैं। देवगन बॉलीवुड की पहली शख्सियत थे जिनके पास शूटिंग लोकेशन, प्रमोशन और पर्सनल ट्रिप के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए एक प्राइवेट जेट था। 1991 में जैसे ही देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, उन्होंने अपने मंच का नाम अपने जन्म के साथ नाम विशाल से बदलकर अजय कर लिया, क्योंकि एक ही समय में मनोज कुमार के बेटे सहित कई अन्य अभिनेताओं को लॉन्च किया गया था। उन्होंने फूल और कांटे में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने मधु के साथ अभिनय किया। अपने शुरुआती दृश्य में देवगन ने 2 मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया। उनकी अगली फिल्म जिगर थी, जो
करिश्मा कपूर की सह अभिनीत बॉलीवुड मार्शल आर्ट फिल्म थी। यह दिलवाली सप्ताह पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ लेकर उस वर्ष की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 1993 में देवगन ने दिल है बेताब में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और बदलाल जैसे रोमांटिक विषयों के बारे में एक फिल्म थी, जिसके बाद उन्होंने दिव्य शक्ति और फिर संग्राम में अभिनय किया, जो दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी है। इसके बाद देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया और दीपक पवार के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया। उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान, धनवान और बेदर्दी थी। 1994 में देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया। उन्होंने अरुण सक्सेना की भूमिका निभाई, जो बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति था। यह फिल्म साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली रिलीज कानून और फिर अक्षय कुमार के साथ कुकू कोहली की सुहाग थी। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी। देवगन ने अजय शर्मा उर्फ मल्होत्रा की भूमिका निभाई। सुहाग साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म विजयपथ थी। विजयपथ की शूटिंग की तारीखें करण अर्जुन के टकराई जिसे देवगन ने मना कर दिया। विजयपथ साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1995 में देवगन महेश भट्ट की फिल्म नाजायज और फिर मिलन लुथरिया द्वारा निर्देशित हलचल में दिखाई दिए। काजोल ने सह अभिनय किया। देवगन और काजोल फिर गुंडाराज में दिखाई दिए, जिनसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तब्बू के साथ अभिनीत उनकी अगली रिलीज हकीकत थी। यह फिल्म साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1996 में देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती, रंभा और आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज ट्विंकल खन्ना के साथ जॉन नामक एक एक्शन फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिलजले में अभिनय किया, जहां उन्होंने शाका नामक एक आतंकवादी की भूमिका निभाई। 1997 में देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब रूप से प्राप्त फिल्म इतिहास में अभिनय किया। उसकी अगली रिलीज आमिर खान, जूही चावला और काजोल के साथ इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इश्क थी। इस सफल फिल्म से में देवगन ने एक गरीब लड़की के प्यार में एक अमीर लड़के अजय की भूमिका निभाई। फिल्म ने 30 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म साल की 4थी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1998 में देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जख्म में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। 1999 में हम दिल दे चुके सनम में देवगन ने वनराज की भूमिका निभाई, एक आदमी जो अपनी पत्नी को उनके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। देवगन ने तब अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर सब में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म सफल रही और साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। वह अगले अनीस बज्मी की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था 1995 अमेरिकी फिल्म फ्रेश चुंबन की रीमेक में काजोल के साथ अभिनय किया। 1999 में देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने नवराज की भूमिका निभाई, एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पुनर्मिलन के में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम ने देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फिल्म मैत्रेयी देवी के बंगाली उपन्यास का हन्यात
के हन्याते का एक रूपांतरण संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित और सलमान खान और ऐश्वर्या रॉय के सह कलाकार थे। देवगन को उनके अभिनय के लिए काफ़ी सराहा गया था। रेडिफ ने कहा, अजय की भूमिका आपको एक और फिल्म प्यार तो होना ही था में की याद दिलाती है। वहाँ वह उस लड़की के प्रेमी की तलाश कर रहा है जिसे वह गुप्त रूप से प्यार करता है, लेकिन गहन दृश्य उसकी विशेषता है और वह यहाँ अच्छा करता है। वह विशेष रूप से है उस दृश्य में अच्छा है जहाँ वह अपनी पत्नी की जिद से नाराज हो जाता है और उसे शांत रखने का प्रयास करता है। फिल्म सफल रही और देवगन को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम के दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मिलन लुथरिया के साथ कच्चे धागे में सैफ अली खान और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद उन्होंने सफल फिल्म होगी प्यार की जीत, एक रोमांटिक कॉमेडी और फिर काजोल और निर्देशक प्रकाश झा के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम था दिल क्या रे। 1999 में उनकी अन्य फिल्में गैर और तक्षक थी, जिसमें उन्होंने एक मजबूत मूक व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। अजय देवगन एफ फिल्म्स 2000 में अभिनेता अजय देवगन द्वारा स्थापित एक भारतीय फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी है। मुंबई में स्थित यह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों का निर्माण और वितरण करती है। 2000 में एडीएफ ने अपनी पहली फिल्म राजू चाचा को रिलीज किया। इस फिल्म में देवगन ने खुद मुख्य अभिनेता और उनकी पत्नी काजोल ने मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया। राजू चाचा को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 82 मिलियन रुपए की कमाई की। 2008 में देवगन ने नाटक यूमी और हम का सह निर्माण किया, जिनसे उनके निर्देशन की शुरुआत हुई। काजोल के साथ फिर से स्क्रीन साझा करते हुए देवगन ने फिल्म्स में मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म को खुद देवगन और 3 अन्य लेखकों ने लिखा था। आलोचनात्मक स्वागत आमतौर पर सकारात्मक था। तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे एक अच्छी तरह से बनाई गई अवशोषित प्रेम कहानी जो भावनात्मक भागफल पर उच्च है के रूप में वर्णित किया। 2009 में देवगन ने अपने होम प्रोडक्शन ऑल द बेस्ट फन बिगिंस को रिलीज किया और अभिनय किया, जिसे रोहित शेट्टी ने निर्देशित किया था और इसमें संजय दत्त, फरदीन खान, बिपाशा बासु और मुग्धा गोडसे ने भी अभिनय किया था। यह फिल्म 16 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। यह भारत में एक हिट का दर्जा दिया गया था और 2009 में की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी। देवगन ने अविस्नी धीर की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म सनफ सरदार में भी अभिनय किया, जो वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के साथ एक संयुक्त निर्माण थी। फिल्म 13 नवंबर 2012 को रिलीज हुई थी। यशराज की फिल्म तब जब तक है जान के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद सनफ सरदार एक वित्तीय सफलता थी। इसने 150 करोड़ कमाए। 2018 में अजय देवगन ने अपना पहला मराठी प्रोडक्शन आपला मानूस रिलीज किया। फिल्म मराठी भाषा में थी। इसे सतीश राजवाड़े ने निर्देशित किया था और इसमें नाना पाटेकर, इरावती हर्षेर और सुमित राघवन ने अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण अजय देवगन, नाना पाटेकर, अभिनव शुक्ला, मनीष मिश्रा और रोहित चौधरी द्वारा किया गया था और 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुई थी। कहानी एक नाटकीय थ्रिलर थी और विवेक बेले द्वारा लिखी गई थी। फिल्म को वायकम 18 मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया था।
हम दिल दे चुके सनम इज़ अ 1999 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली. इट वॉज रिलीज इंटरनेशनली एज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. द फिल्म स्टार सलमान खान इन लीड रोल अलोंग विद अजय देवगन एंड ऐश्वर्या राय. बेस्ड ऑन राष्ट्रीय शहर जावरचंद मेघनानीज प्ले शीतल ने काठे. द फिल्म नैरेट स्टोरी ऑफ अ न्यूली वेड मैन हु डिस्कवर्स डैट हिज वाइफ इज इन लव विद अनदर मैन एंड डिसाइड्स टू यूनाइट देम. द फिल्म हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ लूज एडेप्टेशन ऑफ मैत्रेयी देवी'स बंगाली नोवेल ना हयांते, ऑल्दो द फिल्म डज नॉट गिव क्रेडिट टू इट. It was filmed throughout the Gujarat-Rajasthan border region in addition to Budapest, Hungary, which was used to represent Italy. The film was premiered in the Indian Panorama section at the 1999 International Film Festival of India. Bengali film Neel Akasher Chandni was inspired from this movie. The film was commercial success and emerged as one of the highest grossing Indian films of the year. Earning 160 million, it received predominantly positive reviews from critics. Hum Dil De Chuke Sanam received a leading 17 nomination at the 45th Filmfare Award, including Best Actor, winning 7 awards including Best Film, Best Director and Best Actress and Best Male Playback. Now, so friends, now let's talk about the plot of this movie. Nandini is the daughter of Pandit Darbar, a renowned proponent of Indian classical music. It is announced that a young man named Samir will be arriving to stay with the Darbar family. As he wants to grasp the intricacies of Indian classical music under the guidance of the Pandit, he is accommodated in Nandini's room, using her to take a dislike to Samir. At first, the two tease and prank one another, but soon enough they fall deeply in love. The two spend romantic moments during several family events, including weddings and festivals. One day, the pair are caught rehearsing their wedding vows by the Pandit, and he is enraged since he has already planned Nandini's wedding with Banraj, who had fallen in love with her during her cousin Anu's wedding. Samir is banished from the household and the Pandit quiet singing since he believes Nandini has brought shame to the family. Samir is asked never to meet Nandini again. Although he eventually leaves for Italy, he writes letter to Nandini asking her to join him, but his letter do not reach her. After a futile suicide attempt, Nandini reluctantly wets Vanraj. He tries to consummate their marriage on their wedding night, but Nandini is disgusted by his approach and acts coldly towards him. He asks her for an explanation, but she chooses to remain silent. Nandini finally receives Samir's letter, and Vanraj walks in on her room for reading them. He is enraged and initially decides to return her to her parents, but soon realizes that since he is in love, she is in love with another man, the right thing to do would be to unite the pair. Vanraj seeks his parents' consent, which they give after disagreeing at first. Nandini and Vanraj arrive in Italy but come up against a dead end searching for Samir. During their search, they are moved and Nandini is shot in the arm. Moved by Vanraj's gentleness and affection towards her, Nandini begins to warm up to him. Eventually, they are able to locate Samir through his mother, and Vanraj dutifully arranges for their meeting on the night of Samir's debut concert. He then bids goodbye to Nandini and walks away heartbroken. Upon meeting Samir, she apologizes to him and tells him that she has come to love Vanraj. She reflects on the unwavering love and devotion
that Vanraj has soured upon her throughout their relationship and realizes that Vanraj is her true soulmate. Samir realizes that she does not have that love for him which he saw in her long back. Heartbroken, Samir lets her go back to Vanraj, which she readily accepts, and Samir breaks down after she leaves and his mother consoles him. She runs back to Vanraj and he tells her that he can't live without her. Vanraj adorns a Mangalsutra around her neck and they embrace each other. And the film ends. At the last scene, we can get that the both couple are very happy about each other, to know that they both each other love very much. Now friends, let's talk about the cast of this movie. Salman Khan as Samir Rosaleen, Aishwarya Rai as Nandini Darbar, Ajay Devgan as Vanraj, Johar Sehgal as the grandmother, Vikram Gokhale as Pandit Darbar, Smita Jaikar as Amrita, Rekha Rao is Amkan, Kenny Desai as Bhairan, Sibha Chadda as Anupama, Kanu Gill as Vanraj mom, Rajiv Verma as Vikramjit, Vinay Pathak as Tarun, Helen as Mrs. Rosaleen, Dimple Inamdar as Selpa, Akash Karnataki as Bharat. In 2000, Video Sound Company in the United States realized the official DVD edition of the film with a making of segment. The main feature was presented in an aspect ratio of 1 and the original Dolby Digital 5 remix. The second release was by Digital Entertainment Inc. This was a collector edition 2-disc set filled with supplementary features. This includes making of the film IFA 2000 and Zee Gold Award 2000, television promos, theatrical trailers, subtitles in English, Spanish, French, Japanese and Arabic, Dolby Digital 5.1 surround audio, anaphoric widescreen presentation, attractive information booklet, Shimaru and Eros International release single disc edition in the India market sans supplementary features. The movie was released under its English title Straight from the Heart. This DVD was released by Pathfinder Home Entertainment, which was a port of the Digital Entertainment Inc. edition sans and supplementary features. The film television's premiere was occurred on Sony Entertainment Television. Hum Dil De Chuke Sanam was well received by most critics, especially for its emotional content, cinematography and music, as well as the performance of the lead actors and a surprising performance by guest star Helen. Ken Isner said this 3-hour spectacular is stuffed with songs, romance, comedy, devotional material and color-soaked dance numbers that are huge even by Hindi stardust. Michael DiCuna, writing for the MovieReport.com, said of the three leads, Rai in a luminous award-winning performance, largely considered her big dramatic breakthrough and justifiably show. Fills in the conflicted emotional sets that Khan fails to bring with his one-dimensional presence, and Devgan's soulful subtlety does its job in suggesting Samir to be a more formidable romantic adversary than viewers would see him a being. The reviewer for Filmfare felt it was a once-in-a-decade type of extravaganza and wrote cinematographically, the movie is flawless and by virtue of this fact alone a must-see. It aims at capturing poetry on screen without becoming pretentious. The music by Ismail Darbar is simply enhancing.
द फिल्म जस्ट अपोजेज इंडियन थीमेटिक कंटेंट विद एग्जोटिक फॉरेन लोकल्स। हम दिल दे चुके सनम वॉज अ हिट एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, बिकमिंग द थर्ड हाइस्ट ग्रॉसिंग ऑफ द बॉलीवुड फिल्म ऑफ 1999 विद 200 million. इट ऑल्सो डिड वेल इन द फॉरेन बॉक्स ऑफिस विद 85 million. The soundtrack had lyrics by Mehboob and music by Ismail Darbar. Voices in the soundtrack include those of Kavita, Krishnamurti, Alka Yagnik, Kumar Sanu, Udit Narayan, Hari Haran, Vinod Rathod, Sultan Khan, Shankar Mahadevan, KK and others. It received 9 Filmfare Awards nominations in the music and singing categories and produced some winners as well. Vikas Bhatnagar of Planet Bollywood gave the soundtrack a perfect 10 out of 10 stars and said it has cemented its place in the history books of greatest ever Hindi soundtrack. According to the Indian trade website Box Office India, with around 35 lakh units sold, this film's soundtrack was the year's number one highest selling Indian music. So friends, now let's talk about and discuss about the facts of this movie. In Aishwarya Rai Bachchan's first scene, she is seen walking across the Kutch desert. She did this barefoot and in 35 degree weather. Director Sanjay Leela Bhansali later expressed his great gratitude and respects for her having done so. At a screening of Raja Hindustani, Aishwarya Rai Bachchan came up to Sanjay Leela Bhansali, shook his hand and told him that she loved his work in Khamoshi, the musical. Sanjay Leela Bhansali had said that her eyes were like fire and he had been looking for a girl to play Nandini. At that moment, he said to himself, "Yahi to hai meri Nandini, she is my Nandini." Bhansali and art director Nitin Desai toured Gujarat, Bhuj and Kutch to get the perfect locations and research the lifestyle and culture extensively. Due to this research, the sets designed were so good that Desai claims he got a letter from a filmmaking team in Canada asking which part of the country the location was in. This movie also resulted in a real-life romance between Salman Khan and Aishwarya Rai, the most publicized love affair in the history of Indian cinema. The bridge and many of the scenic locations shows in the movie were filmed in Budapest, Hungary, but Bhansali felt that names like Budapest or Hungary would not connect with the masses of India, so the Hungarian scenes were shown as Italian in the film. The film storyline was similar to the 1983 film Wo Seven Din, starring Anil Kapoor, Nasiruddin Shah, Padmini Kohalpure, where a husband tries to unite his wife with her former lover. Sanjay Leela Bhansali and Ismail Darbar spent 2 years on the music of the film. Samir's strange habit of looking at the sky and talking to his deceased father comes from director Bhansali's childhood, where he had done the same thing. Producer of the film had doubt that Aishwarya Rai Bachchan would be able to deliver playing Nandini because she had a Miss World image and a Western face. But Sanjay Leela Bhansali just said, why not tie her hair in a plait and give her a traditional look. In the wedding scene, Samir says that Aishwarya Rai character Nandini acts as if she is Miss World. Aishwarya Rai Bachchan actually was Miss World in 1994. The film won 4 national awards for Best Production Design, Nitin Chandra Kant Desai, Best Music Direction for Ismail Darbar, Best Choreography for Bhai Bhabhi Merchant and Best Cinematography for Anil Mehta. At the 2000 Filmfare Award function, it won 9 awards: Best Movie Director, Actress, Playback Singer, Male Art Director, Cinematographer,
कोरियोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर एंड आरडी बर्मन अवार्ड. सिंस इट वॉज अनपॉसिबल डैट करीना कपूर कुड प्ले द लीड इन खामोशी द म्यूजिकल, संजय लीला भंसाली ऑफर्ड हर द रोल ऑफ नंदिनी इन दिस मूवी. इस्माइल दरबार रिसीव्ड द आरडी बर्मन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दिस फिल्म. आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, अनिल कपूर एंड अक्षय कुमार वेर ऑल कंसिडर्ड फॉर द रोल ऑफ वनराज विच वुड लेटर बी प्लेड बाई अजय देवगन. सलमान खान एंड हिज स्टेप मदर हेलेन प्लेड मोड एंड सॉन इन द फिल्म दे फर्स्ट अपीयर टुगेदर. द म्यूजिक ऑफ द फिल्म वॉज क्वाइट पॉपुलर. सॉन्ग्स सच एज टड़प टड़प, चांद छुपा बादल में, ढोली तारो, निम्बूड़ा एंड झोंका हवा का वेर बिग हिट्स. ड्यू टू अ चांडेलियर एक्सीडेंट ऑन द सेट, ऐश्वर्या राय बच्चन डांस टू निम्बूड़ा वाइल हर फीट वेर स्वॉलन. ऐश्वर्या राय वॉन द फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म. फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवीज पिक्चराइज इन भूज विजय विलास पैलेस पैलेस मानदीव एंड ओरचाड पैलेस गोंदल ऑफ स्टेट गुजरात. द फिल्म्स ओरिजिनल टाइटल वॉज दिल तो तुमने दिया सनम फॉर द लिट ऑफ एक्राइल फ्लोर इन द गर्बर सॉन्ग नितिन देसाई प्लेस्ड मैरी गोल्ड फ्लावर्स विच आर ट्रेडिशनली ऑफर्ड इन टेम्पल्स अंडर द एक्राइलिंग सीट. हम दिल दे चुके सनम वॉज अ हिट एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस बिकमिंग द थर्ड हाइस्ट ग्रॉसिंग ऑफ द बॉलीवुड फिल्म ऑफ 1999 विथ INR 200 million. Vikram Gokhale asks Ajay Devgan to sing a song when he comes to see Aishwarya Rai for the first time and he sings the song Chingari Koi Badke from the film Amar Prem 1972. Inspired from the semi-autobiographical work of Bengali author Maitri Devi Hayante, similar narrative was also portrayed by her lover in his semi-autobiography La Newt Bengali. It was filmed throughout the Gujarat-Rajasthan border region in addition to Budapest, Hungary, which was used to represent Italy. It also reflects the influence of the German novella Immensens and the 1943 Nazi-era film based on its Immense. It is also widely considered as a remake of Andha Is Who, Naktkal and Woh Saat Din. The film was premiered in the Indian Panorama section at the 1999 International Film Festival of India. In 2000, Video Sound Company in the United States released the official DVD edition of the film with a making of segment. The main feature was presented in an aspect ratio of 1 and the original Dolby Digital 5 mix. The music was composed by Ismail Darwar. The lyrics were penned by Mehboob. It received 9 Filmfare Awards nomination in the music and singing categories and produced some winners as well. The song Nimbuda is performed as a dance at a wedding in Rajasthan. Chand Chupa Badal Mein was sampled from Where Do I Being by Andy William from Love Story. Nimbuda was sampled by Tendai and Rue Valentine for the song Nomi. The film had a theatrical release in Canada. It was remade in Bengali as Neel Akasher Chandni in 2009 with Jeet reprising Salman Khan's role, Jishu Sengupta reprising Ajay Devgan's role and Koyal Malik reprising Aishwarya Rai role. Sanjay Leela Bhansali first offered this film to Manisha Koirala, but due to some misunderstandings, she could not do the film. Kareena Kapoor was also approached, but she said she was ineligible for it because she hadn't won Miss India yet. The film is said to be a loose adaptation of Maitri Devi's semi-autobiographical Bengali novel Nahayante.
द लव ट्राइंगल अबाउट अ हस्बैंड रीयूनाइटिंग हिज वाइफ विथ हर लवर इज कंपेयर्ड टू द वन इन वो सात दिन अ 1983 फिल्म स्टेरिंग अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह एंड पद्मिनी कोहलापुरे. आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, अनिल कपूर एंड अक्षय कुमार वेर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर द रोल ऑफ वनराज. इट फाइनली वेंट टू अजय देवगन. दिस वॉज संजय लीला भंसाली सेकेंड फिल्म विद सलमान खान. दे हैड फर्स्ट वर्क टूगेदर ऑन खामोशी द म्यूजिकल विच वॉज रिलीज ऑन 1996. The film sparked a real-life romance between Salman and Aishwarya Rai, who dated till 2011 before breaking up. The film was shot along the Gujarat-Rajasthan border near Kutch. The second half was filmed in Budapest, Hungary, which was used to represent Italy. Samir's habit of looking at the sky and talking to his dead father comes from Bhansali's own childhood. In the wedding scene, Samir tells Nandini that she acts as if she is Miss World. Aishwarya Rai Bachchan was actually Miss World in 1994. Salman and his stepmother Helen played mother and son in the film. This was their first appearance together. The late Johra Sehgal played Nandini's grandmother in the film. She worked with Bhansali again on Swara Riya, her final role. Due to a chandelier accident on set, Aishwarya danced to Nimbuda with swollen feet. Salman, in an old interview, had confessed when wanting a different ending for the film. If I had made Hum Dil De Chuke Sanam, I would have let Nandini go with the guy she loved, the actor was quoted as saying. He also said Sanjay Leela Bhansali told me that he wanted a depressive high, but frankly, I feel that love is above all tradition. But if you are making a traditional film, then fake love. SDDCS, which put that way sounds like a bank, won 4 national awards including Best Production Design, Best Music Direction, Best and Best Cinematography to Anil Mehta. At the 2000 Filmfare Award, SDDCS, which means Hum Dil De Chuke Sanam, won 9 awards including Best Film Director and Actress. Composer Ismail Darwar received the R.D. Burman Filmfare Award for his work. The film was originally titled Dil To Humne Diya Sanam. It was released internationally as Straight From The Heart. The film was remade in Bengali as Neel Akasher Chandni with Jeet Jishu Sen Gupta and Koel Malik. Bhansali's later reunited with Aishwarya on Devdas on Salman on Sawariya. Salman and Bhansali went to work together on Insha Allah. The film was shelved last year. The film was premiered in the Indian Panorama section at the 1999 International Film Festival of India. The film made on a budget of 16 crores made 51 crores at the box office. Directed by Sanjay Leela Bhansali, Hum Dil De Chuke Sanam starred Salman Khan and Aishwarya Rai in the lead roles. The film won a lot of critical acclaim and awards including 3 National Award, 9 Filmfare Award and 11 IFA Award. Not many people know that Ismail Darwar, who was honored with a National Award for the music direction, spent 2 years on the music of the film. As a result, the album had songs for all the occasions. Most of the films were also bound to be occasions and all the songs of the movie were a hit. Sanjay Leela Bhansali has chosen Miss World Aishwarya Rai to play Nandini, but producers of the film were skeptical whether she would be able to play the character or not.
since she had a western face. According to Wikipedia, Aishwarya was work of a desi girl in ghangra choli and a plait was suggested by Bhansali, who came up with the idea why not tie her hair in a plait and give her a traditional look. The newfound look of Miss World charmed the audience and the character was a big hit, as was the movie. In the Garba song Dholi Taro, to light up the arical floor, Nitin Desai, the art director, used marigold flowers for the purpose. The flowers that are traditionally offered in temples were placed under the arik-like seats, which lightened up the floor as well as the whole set while the song was sung. The floor looked phenomenal with an orange background and nobody could make out that it was dazzling due to the marigold flowers and not the lightning. Saroj Khan won an award for Best Choreography at the Filmfare Awards for the song Nimbuda. The song picturized on Aishwarya Rai is a dance number involving fast beats and a lot of quick dance moments. The actress did a fabulous job in performing on this track. Even when her foot were swollen due to an accident she met on the sets of the movie. The actress met with an accident due to a chandelier on the set and had to dance with swollen feet. Bhansali has thanked her many times for her dedication and incredible performance in the movie and particularly for his son. Salman Khan, who plays Samir in the movie, is shown to have a strange habit of talking to his deceased father while looking at the sky. It is said that even director Bhansali had this habit from his childhood, as he lost his father at a young age. Samir's connection with his father had a pivotal role in the movie, as it was only during this conversation that Samir spoke his heart out. The connection between Samir and his father was brought over very well during the movie. While Samir kept raving about Italy throughout the film, but did you know that the movie was actually shot in Budapest? Nandini and Vanraj went to Budapest to look for Samir and the entire second half of the movie was shot there. The iconic bridge scene you saw in the film was filmed at Chain Bridge, Budapest. This might be surprising about Aishwarya wasn't the first choice for the film. Yes, you heard that right. Sanjay first approached Manisha Koirala, but that didn't work out. Apparently, he also approached Kareena Kapoor after that. However, she turned it down as she was going abroad for further studies. For those wondering how Aishwarya landed the role, it was during a movie screening when SLB met the actress, where she told him that she loves his work in Khamoshi the musical. Recounting the incidents, SLB said, "Our hands meet, our eyes meet. I saw a fire in her eyes. Those days I was looking for a girl to play Nandini. I said to myself, she is my Nandini. People had doubts whether she would deliver because she had a Miss World image and a Western face, but I thought why not tie her hair in a plait and give her a traditional look." Similarly, even Ajay Devgan wasn't the first choice for the film. Other popular actors like Aamir Khan, Shah Rukh Khan, Sanjay Dutt, Anil Kapoor and Akshay Kumar were considered for the role of Vanraj. Salman Khan and his stepmother Helen shared the screen for the first time. Do you know there is a Bengali remake of the film starring popular Tollywood actors like Jeet, Jeshug Sengupta and Koel Malik? Released in 2009, Neel Akasher Chandni featured Jeet reprising Salman Khan's role and Jeshug essaying Ajay Devgan's role.
द फिल्म वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड दिल तो हमने दिया सनम. टाइटल डिड वी नो डैट ऐश्वर्या हैड टू डांस टू निम्बुडा विथ स्वेलन फिट ड्यू टू अ चैंडेलियर एक्सीडेंट ऑन द सेट ऑफ द फिल्म. हम दिल दे चुके सनम हैज़ कम्प्लीटेड 22 ईयर्स ऑफ रिलीज. द रोमांटिक म्यूजिकल कास्ट सलमान खान ओपोजिट ऐश्वर्या राय बच्चन एंड ऑल्सो स्टेड अजय देवगन. द संजय लीला भंसालीज डायरेक्टोरियल वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ 1999 एंड द फिल्म्स म्यूजिक बाय इस्माइल दरबार बिकेम इमेंसनली पॉपुलर. सो विदाउट मच अडो लेट्स टॉक अ लुक एट दिस फाइव अननोन फैक्ट्स अबाउट द फिल्म. एक्टर लाइक शाहरुख खान, आमिर खान, अनिल कपूर, संजय दत्त एंड अक्षय कुमार वेर बींग कंसिडर्ड फॉर द रोल ऑफ वनराज विच इवेंचुअली वेंट इन टू अजय देवगन स्किटी. दिस वॉज सलमान खान एंड संजय लीला भंसाली सेकेंड कोलेबोरेशन आफ्टर खामोशी द म्यूजिकल विच वॉज रिलीज इन 1996. द वे समीर प्लेड बाय सलमान खान टॉक्स टू हिज डेड फादर बाय लुकिंग एट द स्काई कम्स फ्रॉम भंसालीज ओन चाइल्डहुड. सलमान खान एंड हिज स्टेप मदर हेलेन शेयर्ड स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री. हम दिल दे चुके सनम वॉज ओरिजिनली टाइटल दिल तो हमने दिया सनम. हम दिल दे चुके सनम हैज़ अर्न्ड एन आइकॉनिक कल्ट क्लासिक स्टेटस फॉर इयर्स नाउ. द सलमान खान ऐश्वर्या राय बच्चन अजय देवगन स्टेड हैज़ बीन लव्ड बाय मिलियन अक्रॉस द ग्लोब ओवर द इयर्स. द स्टोरी ऑफ सैक्रीफाइसेस पैशंस लव एंड लेटिंग गो हैज़ बीन विनिंग हार्ट्स इवन आफ्टर 22 इयर्स ऑफ इट्स रिलीज. ऑन दिस ओकेजन वी गिव यू 7 अननोन फैक्ट्स अबाउट दिस. The story of a man who won't consummate his marriage with his bride and would rather find his wife's lover whom she can't stop loving even after marriage to another man had echoes of Mani Ratnam's Mauni Ragam, but the story and treatment were completely different. Salman Khan and Aishwarya Rai meet and fell in love with the sets of this film. This real-life bonding made their romantic scenes look undeniably authentic. It was very difficult to say where Salman and Aishwarya ended and Sameer and Nandini began. Salman played Sameer, a visiting student from Italy who comes to India to earn music from Nandini's father, played by the awake, inspiring Vikram Gokhale. The film became one of the top grosser of 1999, sharing box office benefits with Suraj Bhartiya's Hum Saath Saath Hai. This too starred Salman Khan. Salman was extremely close to both the directors. He had a fallout with Bhansali some years ago. Salman Khan was not happy with the ending of Hum Dil De Chuke Sanam. He thought Aishwarya's character should come away with him at the end, not go back to her husband, played by Ajay Devgan. To convince Bhansali, Sanjay brought Bhartiyaj for a meeting. Bhansali heard Bhartiyaj out and stuck to his ending. Salman and his foster mother Helen reunited for the second time on screen. In Bhansali's debut film Khamoshi the musical, Helen had no scenes with Salman. In Hum Dil De Chuke Sanam, she played his mother for the first time and last time. Thereafter, they decided to not come together again. In the film, Salman Khan's hometown is supposed to be in Italy. However, the producer couldn't afford to shoot in Italy. So Pragya masqueraded as an Italian town since the landscape in both countries is similar. Aishwarya Rai look in the second half was molded on Vyanta Milian in Raj Kapoor's Sangam, where it may be recalled the wife takes off on a honeymoon and her lover follows the couple to their honeymoon destination.
Here the newly married couple pretend to go on its honeymoon and searches for her lover. हम दिल दे चुके सनम फीचर सलमान खान ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अजय देवगन इन द लीडिंग रोल्स. डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली दिस रोमांटिक ड्रामा फ्लिक्स थीम इज बेस्ड ऑन राष्ट्रीय शायर जेवेंदर मैगचानी इज प्लेज शीतल ने काठे. हम दिल दे चुके सनम रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ अ यंग वुमन नंदनी. सलमान खान्स फर्स्ट वॉज वेल रिसीव्ड बाय द क्रिटिक्स एंड द ऑडियंस अलाइक. मोरओवर इट रिसीव्ड न्यूमेरियस अवार्ड्स एंड एक्कोलेड्स फॉर द बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर एंड द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगोरीज अमोंग अदर्स. हियर अमोंग अदर्स हम दिल दे चुके सनम इज नोन टू हैव रिजल्टेड इन द रियल लाइफ रोमांस बिटवीन को स्टार सलमान एंड ऐश्वर्या. Their relationship is the most talked about love affairs in Bollywood. Salman Khan and his stepmother Helen played mother and son in the film. The film original title was to be Dil To Humne Diya Sanam. During the screening of Raja Hindustani, Aishwarya Rai Bachchan met Sanjay Leela Bhansali. She shook his hand and appreciated the filmmaker works in Khamoshi, the musical. Later on, Bhansali revealed that her eyes were like fire and had been searching for someone to play Nandini. Therefore, at that moment, he thought that she was the right choice for his film. Salman Khan portrays Samir, who has an unusual habit of looking at the sky and talking to his deceased father. This comes from Sanjay Leela Bhansali's childhood, as he used to do the same thing. In Hum Dil Le Chuke Sanam's first scene featuring Aishwarya Rai Bachchan, she walks across the Kutch desert barefooted. She did this scene in 35-degree weather for the same. The filmmaker expressed graduate respect and appreciated the actor for doing the scene. Hum Dil De Chuke Sanam plots was considered similar to Wo Saat Din, featuring Anil Kapoor, Padmini Kohalpure and Nasiruddin Shah. In this film also, the husband tries to reunite his wife with her former love interest. The producers of Hum Dil De Chuke Sanam doubted if Aishwarya Rai Bachchan could play Nandini, as she had a western face. Reports suggested that Salman Khan wanted Aishwarya Rai Bachchan's character to reunite with him instead of Ajay. However, Sanjay Leela Bhansali declined the suggestion. Abdul Rashid Salim Salman Khan is an Indian actor, film producer, singer, painter and television personality who works in Hindi films. In a film career spanning over 30 years, Khan has received numerous awards including 2 National Film Awards as a film producer and 2 Filmfare Awards for acting. He is cited in the media as one of the most commercially successful actors of Indian cinema. Forbes included him in their 2015 list of top paid 100 celebrity entertainers in the world. Khan tied with Amitabh Bachchan for number 71 on the list, both with earning of $33 million. According to the Forbes 2018, Khan was the highest marked Indian with 82 rank with earning of $37 million. He is also known as the host of the reality show Big Boss since 2010. The eldest son of screenwriter Salim Khan, Khan began his acting career with a supporting role in Biwi Ho To Aisi, followed by a leading role in Maine Pyar Kiya. Khan continued in Bollywood in the 1990s with roles in several productions, including the romantic drama Hum Aapke Hain Kaun, the action comedy Andaaz Apna Apna, the action thriller Karan Arjun, the comedy Biwi No. 1, and the family drama.
ड्रामा हम साथ साथ हैं। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन द 2000 खान अचीव ग्रेटर स्टारडम इन द 2010 बाय प्लेइंग द लीड रोल इन सक्सेसफुल एक्शन फिल्म लाइक दबंग, रेडी एक था टाइगर, किक, सुल्तान एंड टाइगर जिंदा है। इन एडिशन टू हिज एक्टिंग करियर खान इज अ टेलीविजन प्रेजेंटर एंड प्रोमोट्स ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस थ्रू हिज चैरिटी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। खान्स ऑफ स्क्रीन लाइफ इज मेड बाय कंट्रोवर्सी एंड लीगल ट्रबल्स। इन 2005 ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ कपेबल होमिसाइड फॉर एन एलिजेंट ड्राइविंग केस इन विच ही रैन ओवर 5 people with his car, killing one, but his conviction was set aside on appeal. On 5 April 2018, Khan was convicted in a black box poaching case and sentenced to have 5 years imprisonment. He is currently out on bail while an appeal is being heard. He is part of the three major Khans of Bollywood, which ruled in the Hindi box office in 1990s, with the other two being Aamir Khan and Shah Rukh Khan. Khan is the eldest son of screenwriter Saleem Khan and his first wife Sushila Charak, who later adopted the name Salma Khan. Born to a Hindu mother and a Muslim father on 27 December 1965, Khan was brought up in both fates. His paternal ancestors were Alakozik Patsun from Afghanistan, who immigrated to Indore, Madhya Pradesh in the mid-1800s. However, Jasim Khan is in his biography of the actor states that his ancestor belonged to the Akuzai sub-tribe of the Yufuzai Pashtun from Malakand in the Swat Valley of Northwest Foreign Province in British India. His grandfather Abdul Rashid Khan was a deputy inspector general of the Indore state who was awarded Dilar Jung Award of the Holkar Times. Khan's mother is a homemaker whose father Baldev Singh Charak, a Dongra Rajput, comes from Jammu in Jammu and Kashmir, and whose Marathi mother comes from Maharashtra. Khan can also speak Marathi in addition to Hindi and English. He has two brothers, Arbaaz Khan and Sohail Khan, and two sisters, Alvira Khan Agnihotri, who is married to actor Atul Agnihotri, and an adopted sister, Arpita. Salman finished his schooling at Stanley Leos High School in Bandra, Mumbai, as did his younger brothers Arbaaz and Sohail. Previously, he studied at the Skindia School, Gwalior, for a few years along with his younger brother Arbaaz. He attended Xavier College in Mumbai but dropped out. Khan made his acting debut with the 1988 movie Biwi Ho To Aisi, which saw him play a supporting role. Now, in 1990, saw one film released starring Khan, Baghi, A Rebel for Love, a box office success, followed by three moderately successful films in 1991, Pathar Ke Phool, Sanam Bewafa and Kurban. Khan resides in the Galaxy Apartment, Bandra, Mumbai. He also has a 150-acre plot in Panvel, which has three bungalows, a swimming pool and a gym. Khan is dedicated and renowned bodybuilder. Khan has never been married. His relationships have been of keen interest to the media and his fans. In 1999, he began dating Bollywood actress Aishwarya Rai. Their relationship was often reported in the media until the couple separated in 2001. Khan started dating actress Katrina Kaif. After years of speculations, Kaif admitted in an interview in 2011 that she had been in a serious relationship with Khan for several years, but it ended in 2010. Since 2012, Khan is in a relationship with Romanian actress Lulia Venture.
Khan identifies as both Hindu and Muslim, commenting that I am Hindu and Muslim too. Khan won numerous awards, including 2 National Film Awards and 2 Filmfare Awards. Aishwarya Rai Bachchan is an Indian actress and the winner of the Miss World 1994 pageant. Primarily known for her work in Hindi films, she has established herself as one of the most popular and influential celebrities in India through her successful acting career. Rai has received numerous accolades, including 2 Filmfare Awards, and was honored with the Padma Shri by the Government of India in 2009 and the Order des Actors et des Lettres by the Government of France in 2012. She has often been cited in the media as the most beautiful woman in the world. While in college, Rai did a few modeling jobs following appearances in several television commercials. She entered the Miss India pageant in which she placed second. She was then crowned Miss World 1994, after which she began receiving offers to act in film. She made her acting debut in Mani Ratnam 1997 Tamil film Iruvar and had her first Hindi film release in Aur Pyar Ho Gaya that same year. Her first commercial success was the Tamil romantic drama Jeans, which was the most expensive film to be made in Indian cinema at the time. She achieved wider success and won 2 Best Actress Award at Filmfare for her performance in Hum Dil De Chuke Sanam and Devdas. Rai garnered critical appreciation for portraying a passionate artist in the Tamil romance film heroine Binodini, in the Bengali film Chokhar Bali, a depressed woman in the drama Raincoat, Kiranjit Ahulwali in the British drama film Provoked, and a nurse in the drama Guzarish. Rai's greatest commercial success have been the romance Mohabbate, the adventure film Dhoom 2, the historical romance Guru and Jodha Akbar, the science fiction film Ithiran, and the romantic drama A Dil Hai Mushkil. Rai married actor Abhishek Bachchan in 2007. The couple have 1 daughter. Her off-screen roles include duties as a brand ambassador for several charity organizations and campaigns. She is a goodwill ambassador for the joint United Nations program on AIDS. In 2003, she was the first Indian actress to be a jury member at the Cannes Film Festival. Rai was born on 1 November 1973 into a Tulu speaking Bond family. In Mangalore, Karnakatak, her father Krishna Raj, who died on 18 March 2017, was an army biologist, while her mother Vrinda is a homemaker. She has 1 elder brother Aditya Roy, which is an engineer in the Merchant Navy. Roy's movie Dil Ka Rishta was co-produced by her brother and co-written by her mother. The family moved to Mumbai, where Rai attended the Arya Vidya Mandir High School. Rai did her intermediate schooling at Jai Hind College for a year and then joined D.G. Ruparel College in Matunga, securing 90% in the HSC exam. She trained in classical dance and music for 5 years during her teens. Her favorite subject was zoology, so she initially considered a career in medicine. Then, with plans to become an architect, she enrolled at Rachana Sansad Academy of Architect, but later gave up her education to pursue a career in modeling.
विशाल वीरू देवगन, नोन प्रोफेशनली एज अजय देवगन, इज एन इंडियन एक्टर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर. ही हैज़ अपीयर्ड इन ओवर 100 हिंदी फिल्म्स. देवगन हैज़ वॉन न्यूमेरियस एकोलेट्स, इंक्लूडिंग 2 नेशनल फिल्म अवार्ड एंड 4 फिल्म फेयर अवार्ड. इन 2016 ही वॉज ऑनर्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द पद्मश्री, द 4th हाइस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द कंट्री. Devgan began his professional career with Phool Aur Kaante in 1991. He then rose to prominence as an action hero, starring in successful films such as Jigar, Sangram, Dilwale and Dil Jale. He went on to give critically acclaimed performance in Zakhm, Hum Dil De Chuke Sanam, Company, Diwanagi and The Legend of Bhagat Singh. After the success of Golmaal Fun Unlimited, he went on to collaborate with Rohit Sethi on a number of action comedies, including Golmaal Returns, All the Best, Fun Begins, Golmaal 3, Singham, Bol Bachchan, Singham Returns, and Golmaal Again. His highest grossing movies include Tanaji and Total Dhamal. In addition, Devgan owns a production company, Ajay Devgan Films, which was established in 2000. In 2008, he debuted as a film director with Yumi or Hum. He has been married to film actress Kajol since 1999. His collaboration with Rohit Sethi gave success. Ajay Devgan F Films is an Indian film producer, production and distribution company established by actor Ajay Devgan in 2000. Based in Mumbai, it mainly produces and distributes Hindi films. In 2000, ADF released its first film Raju Chacha. The film starred Devgan himself as the lead actor and his wife Kajol as the lead actress. Raju Chacha received mixed reviews but grossed Rs. 82 million at the box office. In 2014, ADF produced Singham Returns starring Devgan and Kareena Kapoor. In 2016, Devgan produced and starred in Sivaye, which is to be the most expensive film of his production. In late December 2017, ADF collaborated with Fox Star Studios to produce Total Dhamal starring Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi, Javed Jafri, Madhuri Dixit and Anil Kapoor. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हम आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए मूवी रिव्यू के साथ. तो जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल जेके मूवी फैक्ट से.